हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ओके, वी हैव डन सम इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्बन इन दिस चैप्टर इन विच वी हैव सीन द नेचर ऑफ कार्बन. ओके, इन विच वी हैव सीन इट्स ए वर्सेटाइल इन नेचर. व्हाई इट्स वर्सेटाइल इन नेचर? वी ऑल नो दैट इट इज अ इट हैव द फोर वैलेंसी बिकॉज ऑफ टेट्रा वैलेंसी. चार वैलेंसी होने की वजह से इसको क्या बोला अपन ने? टेट्रा वैलेंट बोला. ओके, तो बिकॉज ऑफ फोर वैलेंसी इट कैन मेक द कंपाउंड बाई कनेक्टिंग विद अनदर एटम्स. किसी भी एटम्स के साथ जुड़ के ही अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की प्रॉपर्टी रखता है. और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जितने भी अपन कह सकते हैं चार वैलेंसी है, तो चार वैलेंसी को ये सेटिस्फाई कर सकता है किसी अनदर एटम से. ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? टेट्रा वैलेंट बोलते हैं. ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी फोर होती है. अच्छा, वर्सेटाइल नेचर में क्या है इसका? वर्सेटाइल क्यों है? कि क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि किसी के साथ जुड़ के भी हम बहुत सारे एग्जांपल इसमें देख सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारा मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारे सोप मेकिंग जो अपन आगे पढ़ेंगे, सोप है हमारा, डिटर्जेंट फॉर्मेशन है वो इसी चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं. उन सब के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करता है. तो ये एक लॉन्ग चेन बनाता है ना, जिसको अपन ने देखा था. इट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. कैसी प्रॉपर्टी है इसकी? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है. कैटिनेशन मतलब होता है द कार्बन लिंक्ड विद द कार्बन एंड मेक ए लॉन्ग चेन. ये अपने ही कार्बन के साथ में जुड़ के क्या बना लेता है? एक लंबी चेन बना लेता है. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज नोन एज द दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज द कैटिनेशन. और क्योंकि टेट्रावेलेंट है, ऑब्वियसली इसके पास इतने जगह है सेटिस्फाई करने के लिए, या कह सकते हैं बॉन्ड फ्री है जुड़ने के लिए. तो ये इस तरह से क्या करता है? अपने ही कार्बन के साथ इसकी जुड़ने की प्रॉपर्टी होती है, और इस तरह से ये क्या बना लेता है? कैटिनेशन शो करता है. मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन वर आस्क्ड द वाई द अनदर एलिमेंट्स विच हैव द फोर वैलेंसी लाइक द कार्बन डज नॉट शो द कैटिनेशन. और इसके जैसे ही जो एटम्स हैं, है ना, जिनकी वैलेंसी फोर अपन मान के चलते हैं, फोर होती है, जैसे कि सिलिकॉन है, अपन उसकी वैलेंसी भी क्या होती है? फोर होती है. तो वो इस तरह का कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ऐसा शो क्यों नहीं करते? उनके पास भी तो बहुत सारी वैलेंसी फ्री होती हैं. तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन ही क्यों शो करता है? क्योंकि कार्बन है, इसमें आपने देखा ये कितने नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है? 6. यानी कि इसकी वैलेंसी हम कितनी बताएं? 2 and 4. यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4 हैं. तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई? ऑब्वियसली 4 हो गई. ठीक है, अब जब इसकी वैलेंसी 4 है, दैट मींस इसकी वैलेंसी +4 और -4 हो सकती है, दोनों होनी चाहिए, है ना. लेकिन इसकी जो वैलेंसी होती है, अपन वैलेंसी की बात करें, ये दोनों पॉसिबल हो सकती है. क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है और दे भी सकता है. क्योंकि अगर वो लेता है तो इसकी अगर वो लेता है तो वैलेंसी कितनी होनी चाहिए इसकी? -4 होनी चाहिए. लेकिन वो ले नहीं सकता, क्योंकि देखो इसके न्यूक्लियस में जो अपन बात करें न्यूक्लियस है वो इतने ज़्यादा, यानी कि कितने प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में? 6 प्रोटॉन है. ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर इज 6 है. अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब से प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में 6 है ना. तो 6 जो प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 तो इसके पास ऑलरेडी है, 2 और 4. और अगर ये 4 और ले लेता है तो कितने हो गए? 10. तो 10 को होल्ड कर पाना इस न्यूक्लियस के बस की बात नहीं है. इसलिए ये क्या करेगा? उनको होल्ड नहीं कर पाएगा. और अगर 4 निकल जाते हैं, 4 इसमें से निकल जाते हैं, तो भी इसको क्या करनी पड़ती है? एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है. तो वो एनर्जी नहीं दे पाएगा इतनी. ठीक है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस का साइज छोटा होने की वजह से हम ये कह सकते हैं ये इसमें जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि वो उतना निकालने के लिए उसमें खर्च कर दे. तो ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है. इसलिए एक दूसरा जो तरीका हमने देखा था, इसीलिए कार्बन जो बनाता है वो जो क्या करता है, 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या करता है? शेयरिंग. क्या करता है? शेयरिंग, है ना, शेयरिंग करता है. शेयरिंग करके वो क्या करेगा?
अपने चार इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, जिसको अपन ने देखा था। ये कोवेलेंट बॉन्ड अपन ने तीन तरह के स्टडी करे हैं। कौन कौन से करे थे अपन ने? एक तो सिंगल बॉन्ड था, जिसमें एक एक सिंगल बॉन्ड मीन्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है कार्बन एटम, है ना। तो इसमें बॉन्ड जो आएगा बीच में वो कैसा आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। एक डबल बॉन्ड से भी कर सकता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति, तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा। और तीसरा अपन ने क्या देखा था, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में देखा था, तो उसमें अपन ने क्या देखा था, ट्रिपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स अपने फुलफिल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इस तरह से बना लेता है। जो कार्बन, कोई भी कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर सिंगल बॉन्ड से किसी के साथ जुड़ता है, अगर सिंगल बॉन्ड से किसी के साथ जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड, जो हमने प्रीवियस वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं। और उनके लिए उनको जो नेम दिया गया है ना, उनको जो नोमनक्लेचर किया गया है इसका, या अपन स्ट्रक्चरल भी फॉर्मूला भी देख चुके थे उनका नोमनक्लेचर कैसे किया गया है। जो सिंगल बॉन्ड वाले थे, सैचुरेटेड थे, उनको नाम दिया गया क्या, उसको नाम दिया हमने क्या, एल्केन्स। और जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनको नाम दिया अपन ने एल्कीन्स। और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उन कार्बन कंपाउंड्स को नाम दिया अपन ने एल्काइन। ये अपन ने पहले देखा था, हम उसका जो नोमनक्लेचर देखा था अपन ने, उसमें अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी थी, हम उसकी बात करते हैं। तो नोमनक्लेचर में हमने क्या देखा था कि नोमनक्लेचर किसके बेसिस पे किया था, अपन ने क्या देखा था, नंबर ऑफ कार्बन। तो प्रीफिक्स जो अपन यूज में लेते हैं किसी भी नेम को बनाने के लिए, प्रीफिक्स और उसके साथ में सुफिक्स लगा रखा था अपन ने, तो अपन ने क्या देखा था, नंबर ऑफ कार्बन के लिए मैंने बता दिया था, अगर कार्बन का नंबर कितना है, अगर वन है तो इसको क्या नाम दिया, इसको मेथ से अपन डिनोट करेंगे। अगर टू है तो इसको अपन ने क्या बोला था, एथ बोला था। ऐसे ही कार्बन थ्री है तो उसको अपन ने प्रोब बोल दिया था। तो ये तो अपन ने क्या लिए थे, प्रीफिक्स लिए थे। और प्रीफिक्स के साथ सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए अपन ने क्या यूज में लिया था, उसके लिए एन यूज में लिया था, वो क्या था, सुफिक्स था। क्या था, सुफिक्स। सुफिक्स क्या था हमारा, एन। और सॉरी, अगर हमारे पास क्या है, एन किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए अपन ने क्या यूज में लिया, इन लिया था। और ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए अपन ने क्या लिया था, आयन लिया था, ठीक है। तो ये अपन ने लिया था सुफिक्स और प्रीफिक्स करके अपन ने उनकी नेमिंग कर दी थी। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और बताती हूँ मैं कार्बन के बारे में। कार्बन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, है ना, टू फॉर्म्स में अपन बता सकते हैं उसका एग्जिस्टेंस, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एमोर्फस फॉर्म में, है ना। तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कार्बन। द एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन, तो वो कितनी फॉर्म में करेगा, दो फॉर्म में करेगा। एक तो एमोर्फस, है ना, एमोर्फस, और एक दूसरा किस में करेगा, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। अमोर्फस में तो क्या है, जितने भी जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हम बोलेंगे ना, जिनको कोल, पेट्रोलियम, कोक वगैरह जो है, जिनमें कार्बन है वो वेल अरेंज नहीं होते, कैसे भी जुड़े हुए रहते हैं उसमें कार्बन, वो जो फॉर्म होती है वो तो कहलाती है अमोर्फस, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या है हमारे, जिसके अंदर कोल, पेट्रोलियम, प्लास्टिक वगैरह, है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये जो प्लास्टिक फॉर्मेशन करता है, जो जो भी बना रहे हैं, जो अपन ने देखा था कि पॉलीमर्स जो हैं वो आपस में जुड़ के तो ये बना लेते हैं, ये एमोर्फस फॉर्म कहलाती है, ठीक है। और जिसमें कार्बन एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं ना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं या फिक्स एंगल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, वो जो फॉर्म कहलाती है वो क्या कहलाती है, उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म कहलाती है। कौन सी फॉर्म कहलाएगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म कहलाएगी। तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें ये तीन फॉर्म में मिल सकते हैं, कौन कौन से, अपन ने जिसको अपन क्या कहते हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन कौन कौन से है, अपना क्या है, ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट है। और कौन से है हमारे पास, ग्रेफाइट है,
ग्रेफाइट के साथ साथ दूसरा कौन सा था हमारे पास, डायमंड है, और तीसरा हमारे पास क्या है, फुल रेन है। तो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट और डायमंड जो है, डायमंड है उसके बारे में हम सब जानते हैं। एक और नाम दिया है यहाँ पे फुल रेन, है ना, फुल रेन, एक अनदर नेम यहाँ पे दिया गया है फुल रेन। तो इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन है वो एक लीनियर फॉर्म में, एक वेल फिक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं, है ना। तो हम अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो उसके अंदर कार्बन इस तरह से हेक्सागोनल अगर अपन देखें तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से वो अरेंज रहेंगे, तो ऐसे लगेगा कि ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर क्या हो रखी हैं, अरेंज हो रखी हैं। इस फॉर्म में हम इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ऐसे ये अरेंज रहेगा। कौन ये, हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये तो हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इस तरह से अरेंज मिलेंगे अपने को। अच्छा, अगर हम किसकी बात करें, डायमंड की बात करें, तो वो इस तरह से कार्बन कार्बन के साथ इस तरह से इस एंगल में जुड़ा हुआ रहेगा, ये चार चार की फॉर्म में इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, वो फोर से वो फोर से, तो वो इस तरह से स्क्वायर बॉक्स से अपन कह सकते हैं उसको, ये टेट्रावेलेंट फॉर्म में रहेगा, ये हेक्सागोनल टाइप से शेप इसकी बनती है। और इसके अंदर अपन एंगल्स की बात करें तो ये इनके एंगल जो होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग के जो एंगल बनेंगे वो फिक्स रहेंगे, जिसकी वजह से इनकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनती है, जिससे वो क्या करते हैं, इनके एज रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसीलिए डायमंड क्या है, डायमंड में जो रिफ्लेक्शन शो करता है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अंदर के पार्टिकल्स के एंगल्स की वजह से इस तरह से अरेंज रहते हैं, इसलिए डायमंड चमकती हुई फॉर्म में हमें दिखाई देता है, है ना। डायमंड किस फॉर्म में रहता है, शाइनिंग करता हुआ रहता है, डायमंड जो एलोट होता है तो वो शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है। तीसरा हमने देखा है ये फुल रिंग, फुल रिंग क्या है, इसमें 60 कार्बन है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये एक अनदर एलोट्रोप है जिसमें कार्बन है वो इस तरह से आइडेंटिकल फॉर्म में रहते हैं, और इस तरह से अरेंज रहते हैं 60 कार्बन कि वो एक दूसरे के ऊपर और पूरा एक नेटवर्क सा बना लेते हैं, और वो नेटवर्क कैसा लगता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसमें इस तरह से जाल बन जाता है, वो उसके साथ ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, और इनके बीच में क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बना हुआ रहता है। तो इस तरह से फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको एक साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर फुलरिंग, तो उन्हीं के नाम पे इसको नाम दिया गया फुलरिंग। तो ये इसके अपन इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म के जो क्रिस्टल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि ये इस फॉर्म में अपने को तीनों फॉर्म में मिलता है। तो ये जो कार्बन है, ऑब्वियसली हमारे चारों तरफ कार्बन ही कार्बन है, हर एक चीज़ में अपन कार्बन देख सकते हैं, हमारे प्लास्टिक है, पेंसिल है, हमारी बॉडी में है हाइड्रोकार्बन, सब जगह अपने जो भी है ग्लूकोज वगैरह है, तो ये हाइड्रोकार्बन यानी कि अपन बोल सकते हैं कार्बन का अमाउंट वो सब जगह होता है। तो ये कार्बन जो है इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका नेचर जो होता है वो वर्सेटाइल नेचर होता है। तो ये हमने किसकी बात करी, इसके एग्जिस्टेंस और इसकी स्ट्रक्चर की बात करी, किसकी, कार्बन की। तो ये हमने और देख लिया कि इसका वर्सेटाइल नेचर है वो क्यों है, या हम ये बात करें, ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नोट्स में इस तरह के, ताकि हम उसका आंसर अच्छे से दे सकें, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, या अपन कह सकते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो इस फॉर्म में कार्बन अपने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं, हमने देख लिया था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉर्म में ये कैसे रहते हैं, कैसे जुड़े हुए रहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं होमोलोगस सीरीज, क्या देखते हैं हम, होमोलोगस सीरीज, है ना। अच्छा, अब होमोलोगस का मतलब, होमो का मतलब होता है सेम टाइप, है ना, लोगस मतलब सेम टाइप ऑफ कोई चीज़ जो रहती है, एक तरह की चीज़, मतलब एक जैसा, अपन ये बता सकते हैं कि एक जैसी कोई सीरीज रहती है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, तो वो क्या कहलाती है, होमोलोगस। अब देखो होमोलोगस सीरीज पढ़ने से पहले हम देखेंगे कोई भी हाइड्रोकार्बन है, है ना, इससे पहले अपन क्या देखते हैं, हमने क्या पढ़े हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, है ना। कार्बन किसके साथ रहेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ के, और वो क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है। अब इन हाइड्रोकार्बन में अगर एक हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से
क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, है ना। इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली, क्लोरीन ने ले ली। तो वन एटम, वन हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो ये क्या बन जाते हैं, हेट्रो एटम्स। क्या बन जाते हैं ये, हेट्रो एटम, है ना, क्योंकि इसमें एक जो है वो किससे हो गया, इससे रिप्लेस हो गया। पहले तो क्या है, सारे इसी फॉर्म में थे, सी एच फॉर्म में सारे हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई हो रहे थे, तो ये इनकी अगर चेन बनाए तो ये सारे हाइड्रोकार्बन की अपन चेन बना सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन अपन क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे और उससे अपन क्या करते रहेंगे, इसकी चेन बना देंगे, ठीक है। और अगर हम क्या करें, इसको रिप्लेस कर दें एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे एलिमेंट से या एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से, तो ये बन जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या बन जाता है, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अगर वो हाइड्रोकार्बन